The bond between a brother and sister is not decided by blood. It is eternally blessed. They tease, irritate, knock each other down sometimes, yet they care for each other. Hi, Prasanna here again with some stories related to Raksha Bandhan. भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी के रिश्ता बयान नहीं किया जा सकता है। ये दोनों के रिश्ता रक्त से संबंधित नहीं, इनका रिश्ता समझाया नहीं जा सकता है और सम्मानजनक है। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी एक दूसरों को सखी पुकारते थे। एक बार श्री कृष्ण पतंग उड़ा रहे थे, तब उनकी उंगली कट गई। ये देखते ही रुक्मिणी और सत्यभामा उंगली बांधने के लिए कपड़ा लाने दौड़े, पर द्रौपदी अपनी साड़ी के आंचल को फाड़ दी और वो टुकड़े से श्री कृष्ण की उंगली को बांध ली। यही साड़ी का टुकड़ा अनंत हो गया और वस्त्राभरण के वक्त द्रौपदी को बचा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने बाई का जगह लेते हुए अपना वादा निभाया। ये कहानी से हमको एक भाई के कर्तव्य बताया जाता है। इसी प्रकार विष्णु और माँ पार्वती की भी एक कहानी है। माँ पार्वती शिवजी से विवाह करने की आशा से बड़ी हुई, पर शिवजी सती के वियोग से दुखित होने के कारण माँ पार्वती को विवाह करने से इनकार किया। तब माँ पार्वती ने अपनी इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए गंभीर तपस्या की। शिवजी से विवाह होना माँ पार्वती की मंजिल थी। महाविष्णु ने माँ पार्वती से राखी बंधवाया और माँ पार्वती और शिवजी के विवाह का कारण होके उनके विवाह में एक भाई का कर्तव्य निभाया। बलि चक्रवर्ती भक्त प्रहलाद के पोते थे। उन्होंने महाविष्णु के वरदान के कारण शक्तिशाली बन गए और 3 लोकों पर राज्य कर लिया। बलि के पीड़ाओं से विमुक्त होने के लिए सब देवताओं ने महाविष्णु से प्रार्थना की। महाविष्णु ने वामन का अवतार लिया और बलि चक्रवर्ती को 3 कदम जगह मांगा। तब महाविष्णु 1 कदम में भूलोक, दूसरे कदम में स्वर्गलोक पर कब्जा किया। 3रा कदम रखने के लिए जगह नहीं थी तो बलि ने अपना सर दिखाया। महाविष्णु ने अपना 3रा कदम बलि के सर पर रख के उनको पाताल लोक भेज दिया और तब से बलि पाताल लोक का राजा बन गया। उस खुशहाल समय पर बलि ने महाविष्णु से उनके राज्य के रक्षण करने के लिए उनके साथ रहने का वादा लिया। तब से महाविष्णु बलि चक्रवर्ती के साथ रहने लगे। वैकुंठ में महालक्ष्मी महाविष्णु के वियोग से चिंतित हो गई। महालक्ष्मी एक श्रावण पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण स्त्री के वेश धारण करके बलि के पास गई और बलि को अपना भाई समझ के पवित्र राखी बांधी और उपहार में महाविष्णु को मांगा। बलि चक्रवर्ती ने भाई का वादा निभाते हुए महाविष्णु को लौटा दिया, पर हर साल उस दिन महाविष्णु महालक्ष्मी के साथ उनके राज्य में उनके साथ रहने का वादा लिया। तब से श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन मनाया जाता है और बहन अपने भाई के घर में जाना, राखी बांधना और उनके साथ समय बिताने का संस्कार आ गया है। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल माय व्यूअर्स। Namaste. Stay positive.